एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम का रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार का रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे राजस्थान में टिपोरी भी कहते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, आपके खाने का टेस्ट बढ़ा देगा। तो एक बार मेरे विधि से बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं आपको राजस्थानी अचार टिपोरी बना के दिखाती हूँ। हरी मिर्च का राजस्थानी अचार बनाने के लिए ये मैं 100 ग्राम हरी मिर्च ली हूँ, जिसे देखिए मैं इस तरह से टुकड़े में कट कर ली हूँ। आपको दिखाती भी हूँ कैसे क्यों मैं। देखिए मैं हरी मिर्च को पहले धोकर सुखा ली हूँ अच्छे से, और देखिए उसका डंटी, ये देखिए डंटी हटा दी, और ये देखिए इस पोर्शन को छोड़ देना है, ताकि इससे क्या होगा, ये हरी मिर्च अटैच रहेगा, ऐसे अलग अलग हो जाएगा। इसको इस तरह से करके देखिए दो पार्ट में कर लेना है। इस तरह से मैं हरी मिर्च को तैयार कर ली हूँ। और मसाला में मैं ये पचफोरन है, ये सौंफ है, सौंफ का पाउडर ये 1 चम्मच है, और ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, एक कश्मीरी मिर्च है, ये अमचूर पाउडर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एक पैन में हम ये सरसों तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 4 चम्मच सरसों तेल है। इसमें मैं ये पचफोरन डाली हूँ, ये पचफोरन मेरा चटकने लगा है। इसमें मैं ये हींग डाल दे रही हूँ, देखिए मेरा पचफोरन हो गया है। अब इसमें हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, हरी मिर्च थोड़ा चला लेना है। देखिए हरी मिर्च को मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे हल्का भून लेना है। मेरा मिर्च भून गया है, अब मैं इसमें ये सौंफ पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए डाली हूँ मैं, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। ये अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल की हूँ। इसको अच्छा से भून लेना है, हल्का हल्का, फ्लेम को थोड़ा कम करके रखेंगे। एक काला नमक, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सफ़ेद नमक भी डालूंगी मैं। अब बस सबको मिक्स कर लेना है। देखिए मेरा मिर्च का अचार बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरे राजस्थान का टिपोरे कहते हैं अचार बनके तैयार हो गया है। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा।